मेरे पीछे पूरा कोहरा छाया हुआ है। जस्ट चालू की जैसे ही पानी निकला, ये देखो मैं धीरे चलाऊंगा यहाँ, मुझे डर लग रहा है। इतनी सकरी रोड है, डर लगना भी चाहिए। देखो एक कार चल सकती है यहाँ पे, सिर्फ कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिलहाल हम आ गए हैं रुद्रनाथ गोपीनाथ टेम्पल पे, जो कि गोपेश्वर में है। सो यहाँ अंदर जाते हैं, काफी प्राचीन मंदिर है, काफी खूबसूरत दिख रहा है। मैं तो इंतजार कर रहा था बस टनल का। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी, लौट आए हमने नए व्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? अभी फिलहाल हम लोग हैं चोपटा वैली कैंप में। यहाँ पे भैया लोगों से इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था, अभी हम लोगों ने मैजिक किया, वो ऑफ द कैमरा था। अभी बारिश हो रही थी सुबह सुबह, तो भैया लोग भी सो रहे थे आराम से। गाने जो चल रहे हैं ना, ये हमारे दिए हुए हैं। दो दिन हम लोगों ने बढ़िया गाने सुने 90s के, तो भाई ने पूरा कलेक्शन ले लिया। हमेशा याद रहोगे आप लोग। आपके साथ मजा आया, और मैजिक बहुत बढ़िया लगा। क्या बात है। हम लोग वापस निकल गए कैंप से, काफी सारी यादें लेके। अभी ऊपर जाने में हालत खराब हो रही है मेरी। जाना थोड़ी सी दूर है, लेकिन ये लगेज, ये पूरा जैकेट वगैरह बहुत भारी हो जाता है। यहाँ का व्यू देखो आप, कितना शानदार हो रहा है। मेरे पीछे पूरा कोहरा छाया हुआ है। बाजूका यहाँ पे खड़ी हुई है, अपन आपको दिखा देते हैं। उसको देखे बिना ना दिल को तसल्ली नहीं मिलती मेरे। थोड़ा पानी वानी आ गया इसके ऊपर, क्योंकि बारिश हुई थी। अंकल ने यहाँ पे हमारे लिए मैगी प्रिपेयर कर दी है, काफी बढ़िया। काफी अच्छा लगता है पहाड़ों में मैगी खाना। सोचो मई के महीने में कोल्ड स्टार्ट करना पड़ रहा है, और अभी जस्ट चालू की जैसे ही पानी निकला, ये देखो। चेन में बहुत ज्यादा मट डल गई थी, तो हमने इस वजह से पूरी चेन ल्यूबिंग कर ली। फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो भाई मिलते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कल गए थे तुंगनाथ जी, तो मैंने देखा था कि रास्ते काफी खराब हैं, और यही रोड जाता है बद्रीनाथ जी के लिए। नजारा देखो, बादल के साथ चल रहे हैं हम लोग। क्या बात है, काफी ज्यादा खूबसूरत। जो हम लोग केदारनाथ जी गए थे, वहां से भी ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है चोपटा। पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम बादलों के काफी ज्यादा ऊपर आ गए। वाओ, नीचे का पूरा नील है, विजिबिलिटी बहुत हल्का फुल्का। कहीं बादल हटता है तो हमें कुछ दिखता है नीचे साइड। अमेजिंग है यार, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन पहाड़, और बहुत मजेदार है यार, आई लव इट। ऐसी जिंदगी मैंने कभी नहीं सोची थी भाई। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, जितने लोग देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे। ये पूरा फॉग है, घंटे 23 मिनट और दिखा रहा है गूगल। यहाँ से 136 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना है। मैंने गॉन्टलेट ग्लव्स निकाल लिए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी भाई। वो वाले ग्लव्स में काम ही नहीं चल पा रहा था अपना। ये वाला गेट जो है, ये जाएगा तुंगनाथ जी के लिए, तो अपन यहाँ पे हो आ चुके हैं पहले ही। आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, क्या बात है। जल्दी आएंगे हम लोग, अगली बार जब आएंगे तो बर्फ के समय पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे ऊटपटांग चीजें, नशीले पदार्थ चल रहे हैं, गांजा चरस सब चल रहा है यहाँ पे, जिसको देखो आम आदमी।
भगवान शंकर के नाम पे गांजा का सेवन कर रहे हैं। शंकर जी ने कभी गांजे का सेवन किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ विष पिया था, वो भी दुनिया को बचाने के लिए। तब उनके गले में जब जलन होने लग गई थी तो उन्हें भांग और धतूरे का सेवन कराया गया था ताकि गले को ठंडक मिले, इसीलिए वो उनका गला नीला पड़ गया था तो वो नीलकंठ कहलाते हैं। तो उन्होंने धरती को बचाने के लिए इतना किया और तुम लोग नशे करने के लिए कर रहे हो, मतलब भगवान का नाम लेके। तो भगवान का नाम लेके मत करो, मेरा ये कहना है। बाकी डूब जाओ नशे में, मर जाओ, छाती फाड़ लो गांजा फूक फूक के, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन भाई भगवानों के नाम पे नहीं। तो मेरी 2-3 बार अलग अलग लोगों से बहस हुई वही चीज को लेके, भोलेनाथ का प्रसाद है, किसी और कम्युनिटी में क्या इमेज जाएगी कि इनके भगवान ऐसा करते हैं, बल्कि भगवान ने कभी नहीं किया। शिव पुराण वगैरह आप पढ़ोगे कहीं जिक्र नहीं है इन चीजों का। दिस इज क्रेजी। मैं धीरे चलाऊंगा यहाँ, मुझे डर लग रहा है, क्यों झूठ बोलूं मैं, इतनी सकरी रोड है, डर लगना भी चाहिए। देखो एक कार चल सकती है यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ से लोग दो दो कारें गाड़ियां लेके जाते हैं। भाई साहब मुझे यहाँ से 200 मीटर आगे तक का कुछ नहीं दिख रहा। जय क्या बात है, अच्छा रिएक्शन था वो तो बहुत। भाई ये काफी ज्यादा डेंस होता जा रहा है कोहरा। डूड लुक एट दिस, ये क्या है? कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शिट। काफी जगह से रोड खराब हो रही है यहाँ पे। ये बीच बीच में जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं ये बाइक फिसलाने का काम करते हैं। यहाँ पे जितना हो सके धीरे चलाओ। आप देख रहे होगे कि पूरे समय ढलान चल रही है, फिर भी मैंने बाइक बंद नहीं की है। वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बाइक बंद करने पे इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं, तो आपकी ब्रेकिंग वगैरह नहीं हो पाती जब आपको समय पे चाहिए रहती है। तो फ्यूल जलने तो जितना चल रहा है, लेकिन डोंट टर्न ऑफ योर इंजन क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गोपेश्वर जी के मंदिर, और वहाँ से धोख देने के बाद हम लोग निकल जाएंगे बद्रीनाथ जी के लिए। आई गेस ये है गेट गोपेश्वर जी के मंदिर का। फिलहाल हम आ गए हैं रुद्रनाथ गोपीनाथ टेम्पल पे जो कि गोपेश्वर में है। सो यहाँ अंदर जाते हैं, काफी प्राचीन मंदिर है, काफी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे। ये काफी ज्यादा भव्य मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर। अभी 15 मिनट अपने सारी पूजा पाठ हुई, उतनी देर में जो पीसफुल चीज फील हुई है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं व्लॉग में। कभी भी आप आओ इस रूट पे, जब आप चोपटा से बद्रीनाथ की ओर आ रहे होगे तब आपको बीच में ये मंदिर मिलेगा, तो आओ यहाँ दर्शन करो और उसके बाद आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनली हमारे दर्शन हो गए और हम लोग वापस जाने वाले हैं यहाँ से। लेट्स गो। काफी देर बाद काफी चौड़ी रोड मिली, अभी तक तो सकरी सकरी रोड थी। काफी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हर थोड़ी दूर में पैचिंग हो रही है, बाकी मिट्टी गिट्टी सब पड़ी हुई है यार रोड पे। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पे देखो पर्पल कलर के पेड़ लगे हुए हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। पेड़ तो हरे ही है लेकिन उसपे फ्लावर्स पर्पल कलर के हैं, और बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। रास्ता काफी खराब मिल रहा है काफी जगह, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो जाता है पहाड़ों में। हमने एक जगह स्टॉपेज लिया था, चाय ऑर्डर की थी। हवा काफी अच्छी चल रही है, मौसम काफी साथ दे रहा है अपना अभी तक, मतलब हल्के हल्के छींटे आए थे। बाबा जी कहाँ से आ रहे हो आप? हम कानपुर देहात से। कानपुर से पैदल आ रहे हो? हाँ, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक पैदल। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक पैदल। बद्रीनाथ में कितनी भीड़ है, क्या है? भीड़ उधर बहुत है, लाइन लगा पड़ा है। लाइन लगी है? और दर्शन कितनी देर में होंगे? दर्शन जब लाइन चलेगा जैसे। ओहो भाई साहब टनल मिल गई, टनल मैं तो इंतजार कर रहा था बस टनल का।
That was fun. अच्छा लगा, छोटी सी थी टनल लेकिन ठीक है, मजा आया। अब स्पीड इसलिए धीरे करनी पड़ गई क्योंकि मैंने देख लिया था आगे टर्न है। क्या फील आता है यार, एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है टनल में। ऐसी टनलें बना दो, पूरे शहर में टनलें बना दो। सो बारिश होने लग गई थी तो इस वजह से हम लोगों को रेन लाइनर पहनना पड़ गया। मोबाइल वगैरह सब अंदर रख लिया है। दो मोबाइल इंटरकॉम से कनेक्टेड है मेरे, तो मुझे डायरेक्शन बताता रहता है कभी कभी। कितना गंदा काला धुआं छोड़ रही है। इन लोगों ने पीयूसी वीयूसी सबको मात दे दी भाई, इन्होंने मेरी पूरी गाड़ी काली कर दी इन्होंने। अरे यार, साइड भी नहीं दे रहा। वो हो गया उसका समय पूरा। बेच दो भाई गाड़ी, अब काला हो गया धुआं पूरा। तो फाइनली जैम, काफी लंबा जैम। इसकी उम्मीदें मेरे को पूरी थी कि मिलेगा एक आध जगह। तो अभी थोड़ी देर पहले ठंड हो रही थी, अब बारिश हो गई। अब देखो बारिश रुक गई है ऑलमोस्ट, जिस हिसाब से तापमान थोड़ा सा बढ़ता सा लग रहा है, धूप निकलने वाली है। ये है उत्तराखंड। ये जब बाजूका फर्स्ट गियर पे चलती है ना, तो ऐसे दिल पे खंजर चलते हैं, दिल पे ही। बेचारी जू करके कूलिंग करने की कोशिश कर रही है, क्या कूल करेगी यार। देर आए दुरुस्त आए। ये ऐसे बोर्ड ना मोटिवेशन दे देते हैं। एक जगह लिखा हुआ था, इतनी भी क्या जल्दी है, नज़ारों के तो मजे लो। मैं गाड़ी खड़ी करके खड़े हो गया। नगर पालिका परिषद हमारा स्वागत करती है जोशीमठ में। ये खाना खाएंगे, भूख लग रही है भाई साहब बहुत तेज। झरना गिर रहा है, थोड़ा सा आगे गिरता तो मैं गाड़ी लगा के धो लेता भाई। फिलहाल मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ओली में रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं। यहाँ से फुल टैंक करा के बाइक को खड़ी कर देते हैं, सो दैट कल हम लोग इसका सही इस्तेमाल कर सकें। फुल टैंक कर देना भैया। अभी समय हो गया है 3:44। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन रास्ता थोड़ा सा मात खा जाता है। ऐसा है कि गूगल पगला चुका है क्योंकि सब लोग बता रहे हैं ओली का रास्ता ये है और गूगल बोल रहा है वापस पीछे जाओ। और 10-15-20 मिनट से मैं यही कर रहा हूँ, इधर से उधर भटक रहा हूँ। अब मैं इसी रोड पे जा रहा हूँ। ऊपर जैसे जैसे जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सांस कम हो रही है मेरी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली सुपर बाइक के हिसाब से। गूगल के चक्कर में हम इधर उधर हो गए यार काफ़ी ज़्यादा। अब एग्जैक्टली कहाँ पर है हमें पता नहीं है। सर आ रहे हैं हमें पिक करने। काफ़ी ज़्यादा टफ राइड के बाद हम लोग आ गए फाइनली ओली। और ओली में रुके हुए हम द सनसेट हिल नाम के एक कैंप में। यहाँ से व्यू काफी अच्छा है, कुछ देर में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन आज की राइड बहुत हैक्टिक रही, बीच बीच में बारिश आ रही थी, थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया था बस अब नहीं जाना आगे। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम आपको प्रॉब्लम करता है, ऊपर से अपनी बाइक जो है इतनी हीट करने लग जाती है ट्रैफिक में, तो अपन को उसके लिए दया आने लग जाती है अंदर से। फिलहाल आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको आना है तो रिजॉर्ट का नंबर वगैरह आपको डिटेल्स में मिल जाएगी, वहां से आप बुक कर सकते हैं। सर यहाँ के ओनर है, सो आप इनसे कांटेक्ट करोगे डायरेक्टली और फिर प्राइस वगैरह की बात कर लेना। जैसे यहाँ आया मेरे इतने सारे नोटिफिकेशन की लाइन लग गई, मुझे अच्छा लगा कि चलो नेट भी चल रहा है और नेटवर्क भी अवेलेबल है। क्योंकि चोपटा में जब हम रुके थे तो वहाँ नेटवर्क था थोड़ा बहुत लेकिन नेट नहीं चल रहा था। अब मैं आप लोगों को मेरा रूम दिखाता हूँ। सो फिलहाल यहाँ से है एंट्री, हियर इज द रूम। हम लोग टेंट के अंदर रुके हुए हैं और काफ़ी वार्म है यहाँ पे, ब्लैंकेट्स वगैरह भी अवेलेबल है, डबल बेड है। और यहाँ पे अंदर वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यू कैन सी यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट्स वगैरह है। सो काफ़ी सही है। और यहाँ पे रहने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है, आज हिल स्टेशन है एक तरीके से ओली। और कुछ जगह और है ओली में, अगर हुआ तो हम लोग वहाँ पे डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल बाहर जाते हैं और चाय एंजॉय करते हैं।